वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य को केंद्रीय साहित्य अकेडमी में राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल का समन्वयक नियुक्त किया गया है। बीकानेर पहुंचने पर आचार्य का जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य, सईराम तुसाद और कांग्रेसी नेता शशि शर्मा, आनंद जोशी, साहित्यकार और पत्रकारों ने आचार्य का स्वागत किया। जी मीडिया से खास बातचीत में आचार्य ने कहा कि राजस्थानी भाषा जन भाषा है, राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए आंदोलन को और तेज करना होगा। जी मीडिया संवाददाता लक्ष्मण राघव ने मधु आचार्य से खास बातचीत की। हमारे साथ है पत्रकार और मूर्धन्य साहित्यकार मधु आचार्य। बीकानेर के लिए गौरव की बात है कि इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी में राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल का समन्वयक नियुक्त किया है। निश्चित तौर पर गौरव का क्षण है बीकानेर के लिए भी और राजस्थानी के लिए भी। जी बिल्कुल एकदम, ये राजस्थानी भाषा जो अपने अस्मिता के लिए संघर्ष कर रही है उसके लिए मैं इसे बहुत बड़ा एक बड़ा कदम मानता हूँ देश के लिए। मधु जी, राजस्थानी भाषा में साहित्य है लेकिन हालात अब ये है कि साहित्यकारों को अपनी किताबें खुद छपवानी पड़ती हैं, खुद बिकवानी पड़ती है। ये एक बड़ी चुनौती है जो भाषा मान्यता के लिए संघर्ष कर रही है। क्या उसमें वैसा साहित्य नहीं है जो होना चाहिए या कहीं कुछ और कमी है? दरअसल अभी तक लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचाया गया कि राजस्थानी भाषा की मान्यता का सवाल न तो राजनीति के और न साहित्यकारों का है, ये आम जनता के रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है। अगर संवैधानिक मान्यता इसको मिलती है तो शायद राजस्थान की सारी नौकरियों में प्राथमिकता राजस्थान के लोगों को मिलेगी, इसलिए इसको जन की भाषा और इसे जन का आंदोलन बनाना आज की जरूरत है। मधु जी, साहित्यकार सियासतदानों को, राजनीतिज्ञों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आजकल हो क्या रहा है, साहित्य में राजनीति हो रही है। दरअसल साहित्य तो अपना दायित्व अब भी निभा रहा है, राजनीति ने अपना छोड़ दिया। क्योंकि जिस साहित्य अकादमी का मैं बना हूँ कन्वीनर, उसके पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू थे, उसके अध्यक्ष जाकिर हुसैन रहे, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली रहे, तो ऐसे लोगों ने हमेशा साहित्य को साथ लेकर सत्ता को एक दिशा दी है। लेकिन धीरे धीरे राजनीति में आई विषमताएं, स्वार्थता ने साहित्य को दूर किया। लेकिन वो समय फिर वापस आएगा जब साहित्य के बिना राजनीति कभी एक कदम आगे नहीं बढ़ सके। आखिरी और अहम सवाल मधु जी, राजस्थानी भाषा की मान्यता का मुद्दा भी धीरे धीरे राजनीतिक रंग में रंगता जा रहा, क्या उम्मीद करें? क्योंकि आप एक आए हैं जो साहित्यकार भी और पत्रकार भी, दोनों तरफ से कुछ दबाव बनेगा? बिल्कुल, मैं पत्रकारों का सहयोग सबसे पहले लूंगा क्योंकि वही जनता तक इस बात को पहुंचाएंगे कि भाषा की मान्यता का सवाल केवल साहित्यकारों का नहीं है, क्योंकि ये आम जनता के रोजगार से जुड़ा है, तो वो मिले। और मेरे ख्याल से ऐसी नासमझ सरकारें बहुत कम होगी जो जनता को अवॉइड कर दे, इसलिए संवैधानिक मान्यता मिलेगी। ये थे मधु आचार्य, बहुत सारे विषयों पे बात की और सबसे अहम बात ये है, उम्मीद यही है कि इनके परामर्श मंडल के संयोजक रहते हुए राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले तो राजस्थान के लिए भी गौरव का विषय होगा। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, जी मीडिया, बीकानेर।